नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के लिए होगा। दोस्तों, ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं। आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, राशिफल को सामान्य स्तर पर इसलिए माने क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई बहुत पर्टिकुलर कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए तो कई सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आती जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए सप्ताह ग्रहों के गोचरों की स्थिति कैसी है, कहां पर ग्रहों के गोचरों की वजह से आपको खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिल सकते हैं। इस वजह से राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण में, जन्म पत्रिका के विश्लेषण में एक व्यवस्था यह भी होती है कि गोचरों को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर राशिफल के माध्यम से ग्रहों के गोचरों की जानकारी कम से कम आपको मिल जाती है, जिस आधार पर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कहां पर आगे बढ़ के मुझे क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक राशियों के बारे में जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे, मीन राशि तक जाएंगे। और मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मैं कहूँ तो यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में मुझे आपकी उन्नति दिखती है, आपकी पदोन्नति दिखती है, आपकी सफलता दिखती है। यदि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से लीड करेंगे, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे और आपको जो है वो एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो आपकी यहाँ पर उन्नति, पदोन्नति, सफलता मुझे नजर आती है, खास तौर पर नौकरी में। हाँ, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए समय अच्छा है, सफलताकारी है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए ज्यादा अच्छा समय है। यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी अभी नहीं है, नौकरी लगना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये समय आपकी नौकरी भी लगा देगा, साथ ही साथ यदि आप स्विच करना चाह रहे हैं, एक नौकरी में है, आप कहीं और जाना चाहते हैं, कोई और नई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते, तो ये सप्ताह आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। हो सकता है सप्ताह आपके नई नौकरी ना लगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, ये जरूर से होगा। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर भी मुझे आपकी सफलताएं दिखती हैं, वहां पर भी मुझे आपकी उन्नति दिखती है, बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। एक बात जरूर से आपसे कहूंगा कि वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आती है, खासतौर पर पारिवारिक सदस्यों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। तो वाद विवाद की स्थिति को जो है वो आपको कंट्रोल करने की खास जरूरत है, अदरवाइज जो है मानसिक अशांति इस वजह से पैदा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो कोई नई प्लानिंग, नया विचार आप कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो किसी तरह से कुछ समाज सेवा का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे पढ़ाई का हो, जैसे भी नया विचार आप कर सकते हैं और नया विचार आगे चल के आपको सफलता भी जरूर से दिलाएगा। तो बिल्कुल नया विचार कीजिए और पॉजिटिव रहिए। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है। परिवार में खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि हम बात करें सामान्य माता पिता, भाई बहन या फिर पति पत्नी रिश्ते की, तो वो भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। परिवार का साथ आपको इस सप्ताह भरपूर मिलेगा। यात्राएं यहाँ पर हो सकती है, यात्राएं सुखद होंगी, परिवार या दोस्तों के साथ यात्राएं होंगी। और ये जो सप्ताह है, कुछ ना कुछ आपको नया सिखा करके भी जाएगा। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आपको जो है यहाँ पर शेयर मार्केट या भूमि, यदि स्पेशली शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो उसमें मुझे लाभ दिखाता है। बिल्कुल आपको पैसा लगाना चाहिए, अपने भाग्य का इस्तेमाल, अपने भाग्य को आजमाना जरूर से इस सप्ताह आपको चाहिए। साथ ही साथ यदि आप वाहन जो है वो चला रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ कोई ना कोई वाहन चलाते होंगे, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, मेरा वो कहना ये है कि लॉन्ग जो ड्राइव्स होती हैं उनसे आपको बचना चाहिए। और यदि आप वाहन नहीं भी चला रहे हैं तो दूसरे वाहनों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाहन से कष्ट मुझे मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ, परिवार का सहयोग भरपूर आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि हम बात करें, आप यदि स्टूडेंट है तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नतिकारक है, मन लगा करके मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आप भी कोई नया विचार कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नया कुछ सोच सकते हैं। हाँ, ये बात कुछ और है, कुछ अलग है कि ये प्लानिंग्स, ये विचार आपका इस सप्ताह सक्सेस ना हो,
कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए, आपको आने वाले वक्त में सक्सेस मिल जाएगी। अभी वो सक्सेस हो सकता है नहीं कोई बिजनेस को लेकर के हो, नहीं कोई किसी तरह की सेवाओं को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, जो भी हो, खुद से आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के पूछिए, क्या ये मेरे लिए सही है? जो भी नई प्लानिंग हो रही है, क्या मेरे लिए सही है? क्या मेरे परिवार के लिए सही है? क्या मेरे समाज के लिए ये काम सही है? यदि आपका मन कहता है हाँ सही है, तो बिल्कुल आपको उस काम को भी करना चाहिए, चाहे उसमें आपको विरोध का सामना करना पड़े, क्योंकि विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस बात से आपको जरूर से ध्यान देने की जरूरत है। चिंताएं हो सकती है, तनाव हो सकता है, जब विरोध होता है तो चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां होती है। लाभ कम मिलता है जब आपको, आप जो कर रहे हैं उसके बदले में उतना नहीं मिलता, तो आप निराश भी हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती है। लेकिन बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलताकारी है। बिल्कुल लगे रहिए, जो भी काम करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे जो भी कार्य करते हो, जो भी अच्छा कार्य करते हो, जो समाज के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके परिवार के लिए अच्छा हो। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो इस सप्ताह कहीं से कर्ज ना लें, ना किसी को पैसा उधार दें, अदरवाइज पैसा उधार दिया हो वापस नहीं आएगा, कर्ज जो लिया है वो चुकाने में आपको समस्या जाएगी और फिर आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस सप्ताह को रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें, पैसों को लेकर के ना लेन देन किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है, इससे आपको बचने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यात्राएं यहाँ पर आपकी हो सकती हैं, हालांकि यात्राएं अच्छी होंगी, परिवार के साथ यात्राएं हो सकती है और पारिवारिक जनों के साथ यात्राएं हो सकती है, पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो सकते हैं इन यात्राओं की वजह से। तो ये मुझे आपके योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। यदि आपको कोई ड्रीम व्हीकल है, यदि आपको कोई व्हीकल का सोच करके रखे हैं कि मुझे ये वाहन खरीदना है, तो इस सप्ताह उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इस सप्ताह आपको वाहन मिल भी सकता है। सिंह राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो बहुत लंबे समय से किसी काम में आप लगे हुए थे, अभी वो काम कोई सा भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, वो काम समाज सेवा हो सकता है, वो काम हो सकता है आपका व्यवसाय हो, नई कोई व्यवसाय की प्लानिंग हो, नौकरी का कोई प्रोजेक्ट हो, लंबे समय से प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो भी कार्य में आप लंबे वक्त से लगे, हो सकता है आप गृहिणी हैं और गृहिणी होकर के घर को जोड़ना चाह रहे हो, कोई कहीं और है, किसी का मतभेद हो गया, कोई कहीं दूर हो गया, आप लंबे वक्त से लगे हुए हैं कि ये लोग जुड़ जाए। जैसा भी कार्य, जो भी कार्य में आप लंबे वक्त से लगे हुए हैं, उस कार्य में मुझे यहाँ पर आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है, बहुत अच्छी बात है। उत्साह रहेगा, लाभ रहेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपकी मुझे यहाँ पर दिखती है, खुशी यहाँ पर दिखती, तो ओवरऑल कहें तो सफलता मुझे दिखती है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो सफलताएं हैं, सफलताओं के साथ साथ प्रतिष्ठा वृद्धि है, यश वृद्धि है, मान सम्मान वृद्धि है, नौकरी करते हैं वहां पर मुझे खास तौर पर आपको एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखता है, आपके बॉस के द्वारा, आपके कॉलिग्स के द्वारा, लंबे वक्त से दिया आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नौकरी में चल रही तो वो भी खत्म होगी, शत्रुओं पर विजय मिलती हुई नजर आती है, बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर भी समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है, सफलताकारी समय मुझे दिखता है। तो मेरा आपके लिए कहना यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई नई योजनाएं, नया विचार, नई प्लानिंग करिए, और जो भी नई प्लानिंग करते हैं आने वाला वक्त उसमें सफलता भी आपको दिलवा देगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करते हैं तो आपके घर परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य हो सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत खुशहाल रहने वाली है, पारिवारिक रिश्ते और सुधरने वाले हैं, पुराने मतभेद यहाँ पर आपके खत्म हो सकते हैं, मिट सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में और गहराई और मधुरता आ सकती है, तो ऐसे योग दिखते हैं। साथ ही साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट, भूमि में, फ्लैट में, शेयर मार्केट में, बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे यदि कुछ करते हैं तो उसमें भी सफलताएं मुझे आपकी यहाँ पर दिखती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं सुखद होंगी, परिवार दोस्तों के साथ यात्राएं होंगी और ये यात्राएं जो हैं आपके पारिवारिक रिश्तों या दोस्ती को और गहराई से मधुरता दिलवाएगी। समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट भी यदि हैं तो बहुत अच्छा समय है, मन लगा करके मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि, धनु राशि के बाद यदि हम कुंभ राशि के जात माफी चाहूंगा धनु राशि के बाद यदि हम मकर राशि के जातकों की बात करते हैं तो किसी न किसी तरह से सहयोग यहाँ पर आपको जरूर से मिलेगा,
और सहयोग जो है वो हो सकता है आर्थिक तौर पर हो, वो हो सकता है पारिवारिक तौर पर हो, वो हो सकता है सामाजिक तौर पर हो, वो नैतिक तौर पर हो, मानसिक, जैसा भी सहयोग की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो सहयोग यहाँ पर आपको मिल सकता है। हाँ, एक बार ज़रूर कहूँगा, लंबी कोई बीमारी है तो उस बीमारी से बचने की ज़रूरत है। बीमारी जो है डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, खास तौर पर हृदय संबंधी बीमारी जो है उससे भी आपको बचने, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान ज़रूर से आपको यहाँ पर रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर तब जब आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, वो अधिक है। बहुत जो यंग लोग होते हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कम होता है, जो ज़्यादा एजेड हो जाते हैं उन्हें ज़्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी मोटी बीमारियाँ भी यहाँ पर तंग कर सकती है, जिससे भी बचने की ज़रूरत रहेगी। आपके लिए भी यही कहूँगा कि यात्राएं यहाँ पर आपकी हो सकती हैं, यात्राएं सुखद होंगी और इन यात्राओं की वजह से पारिवारिक रिश्ते और दोस्ती में और ज़्यादा मधुरता आने वाली है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी वही बात दोहरा दूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं यहाँ पर सता सकती हैं। अभी स्वास्थ्य, लंबी बीमारियां भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य हो सकता है कि छोटी मोटी कोई बीमारियां हो, फॉर एग्जांपल फेफड़ों संबंधी बीमारी हो गई, एलर्जी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार जैसी स्थिति हो गई, वायरल हो गया, तो ये आपको यहाँ पर तंग जरूर से कर सकता है, इसका ध्यान रखने की खास जरूरत है। खर्चा भी यहाँ पर आपका ज्यादा हो सकता है, खर्च पर भी काबू पाना चाहिए, और रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बच के रहिए। हाँ, ऑलरेडी यदि आप बिजनेस करते हैं और यदि उसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उसमें मुझे आपके लिए फायदा, उसमें मुझे आपके लिए लाभ जरूर दिखता है। नौकरी करने वाले जातक और स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, पदोन्नति कारक है, सफलता कारक है, प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक है, और बहुत ही शानदार वक्त है। बिल्कुल आपको, आप यदि स्टूडेंट है खास तौर पर तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, स्टूडेंट्स के लिए समय ऐसा दिखा रहा है कि मेहनत आपसे समय ज़्यादा लेगा, चिंता ना करें मेहनत ज़्यादा लेगा, लेकिन एक बात भी मैं कह देता हूँ कि जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा भी। इवन ये भी हो सकता है कि 100 की मेहनत करें 105 मिले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है, तो 100 की मेहनत कीजिए 105 पाइए, यदि आपको 200 चाहिए तो फिर 210 की, तो फिर आपको 190 की मेहनत करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेहनत जो है वो जितनी करेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो बिल्कुल आप मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ख़ास तौर पर यदि आप पारिवारिक स्थितियों की बात करते हैं तो पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत मधुर रहने वाली है, पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे सुधरने वाले हैं। और यदि आप कोई ड्रीम व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, एक वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, भूमि या फिर फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे आपका लाभ दिखता है, आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो समय है, जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को, इस फेसबुक पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। एक्चुअली मुझे क्या हो रहा है, कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, इवन कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि क्या आपने बेल आइकन क्लिक किया है, तो कहते हैं नहीं क्लिक किया। तो बेल आइकन क्लिक करने पर यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि वो आपको नोटिफिकेशन भी देते रहता है, तो बेल आइकन को क्लिक भी आप कर सकते हैं। और आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं मेरे वीडियोस में, मेरे भविष्यफल बताए हुए, भविष्यफल में, राशिफल में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।